कन्नौज में फेरी करने वाले युवक पर दबंगों का कहर, युवक की जमकर की पिटाई, युवक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान, मोटरसाइकिल और माल को लूटने का भी लगाया आरोप, दबंगों पर महिलाओं का पीछा करने का भी आरोप, पुलिस से की शिकायत। बरेली में सांड का आतंक, सड़क पर चल रहे कई लोगों को सांड ने उठाकर पटका, कैमरे में कैद हुई घटना। बरेली में भाई के साथ बाइक से कॉलेज से घर जा रही छात्रा का सरेआम अपहरण, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की तीनों बदमाशों की तलाश। शामली में दूल्हे को शादी में डांस करना महंगा पड़ा, डांस करने पर मौलवी ने निकाह पढ़ने से किया इनकार, कहा डीजे पर डांस करने वाले दूल्हे को नहीं पढ़ाऊंगा निकाह। दिल्ली से आई थी बरात। असम में चुनावी जनसभा के दौरान कांग्रेस पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बोले जब जब कांग्रेस सत्ता में आई अशांति लाई, भाजपा ही करेगी विकास, जो कहा वो किया। असम विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुवाहाटी में इसे जारी किया। कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्य सचिव आरके तिवारी ने नई गाइडलाइंस की जारी, सभी कमिश्नर डीएम और एसएसपी को भेजा पत्र, कोई भी आयोजन करने से पहले प्रशासन से लेनी होगी अनुमति, बुजुर्गों और बच्चों को सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने से रोक। बरेली पहुंचे कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राहुल और प्रियंका गांधी पर जमकर बोला हमला, कहा कांग्रेस के चलते किसानों की हालत बुरी है। कुछ लोग बैठे हुए हैं तो उनका काम विरोध करना है, हमारा काम काम करना है, हमारा काम बोलता नहीं है। मोदी जी और योगी जी का सरकार के काम दिखते हैं और आज वो जमीन पर दिख रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का दावा है कि कांग्रेस पंचायत चुनाव को जोर शोर से लड़ेगी, तमाम लोग जो राजनीति में शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा अवसर, हम सभी को अवसर देंगे। गाजियाबाद में बैठक हुई, आगरा में बैठक हुई, कल बस्ती में बैठक हुई, कल बनारस में है और 26 तारीख को लखनऊ में। पंचायत चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका राजनीतिक रूप से। सपा से सांसद एसटी हसन ने कहा समाजवादी पार्टी किसी भी उम्मीदवार को पंचायत चुनाव में सिंबल नहीं देगी, कुछ जगहों पर उम्मीदवारों को हमारा समर्थन रहेगा। तो हम एक कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, बस सिंबल फिर भी नहीं दिया जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। गोमती रिवर फ्रंट घोटाला मामले में आरोपी इंजीनियर रूप सिंह यादव समेत कई लोगों पर मुकदमा चलाने की इजाजत, सीबीआई ने शासन से मांगी थी अनुमति, रूप सिंह पर लाखों के गबन का आरोप। यूपी के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की सेवा समाप्त, गृह मंत्रालय ने जारी किया सेवानिवृत्ति का आदेश, बेहतर काम नहीं करने पर सेवा समाप्ति के आदेश जारी, अमिताभ ठाकुर ने ट्वीट कर खुद दी जानकारी। यूपी में 3 आईपीएस को जबरन रिटायरमेंट, गृह मंत्रालय ने जारी किया सेवानिवृत्ति का आदेश, बेहतर काम नहीं करने पर सेवा समाप्ति के आदेश पे जारी। सल्ट उपचुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, महेश जीना होंगे बीजेपी के प्रत्याशी, सुरेंद्र सिंह जीना के भाई हैं महेश जीना, बीजेपी की ओर से आधिकारिक घोषणा होना बाकी। आगरा पहुंचे उज्बेकिस्तान के राजदूत फरहौद ने ताज नगरी की बहुत तारीफ की है, साथ ही आगरा को बहुत सुंदर और ऐतिहासिक बताया है, इस दौरान दोनों देशों के बीच चमड़ा उद्योग और गार्डन्स के सौंदर्यकरण को लेकर चर्चा हुई। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल की, सरकार का कहना है कि पंचायत चुनाव से जुड़ी सुनवाई के दौरान उनका पक्ष भी सुना जाए, पंचायत चुनाव में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आजमगढ़ पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां लगभग पूरी, बैलेट बॉक्स की साफ सफाई, उनको खोलने सील करने और बंद करने की ट्रेनिंग का काम शुरू, नेहरू हॉल में कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण। सिद्धार्थनगर में पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम जारी, जिम्मेदारों की मनमानी से मतदाता सूची से 200 के नाम गायब, डुमरियागंज के सोनीहाट गांव का पूरा मामला। बागपत में गैंगस्टर अनुज बरखा पर कसा पुलिस ने शिकंजा, 3 मकानों को किया कुर्क,
गैंगस्टर पर हत्या, लूट, गैंगस्टर रंगदारी समेत 29 मुकदमे हैं दर्ज। प्रयागराज में यूरिया बनाने वाली इफको फैक्ट्री में बड़ा हादसा, बॉयलर फटने से कर्मचारी की मौत, हादसे में घायल आधा दर्जन लोग अस्पताल में भर्ती, मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका। अयोध्या में बड़ा सड़क हादसा, सड़क किनारे खड़ी दो रोडवेज बस में पीछे से ट्रेलर ने टक्कर मार दी, टक्कर इतनी तेज थी कि 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हैं। परिवहन विभाग ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है, साथ ही 2 घायलों के इलाज का खर्च भी उठाया जाएगा। मिर्जापुर में कॉस्मेटिक की दुकान में लगी आग, आग लगने से हजारों का नुकसान, स्थानीय लोगों ने पाया आग पर काबू, विंध्याचल थाना क्षेत्र का मामला। पीलीभीत में 2 सगी बहनों को प्रेम जाल में फंसाकर आरोपी युवक ने किया रेप, आरोपी की बड़ी बहन को गर्भवती कर छोटी बहन को भी प्रेम जाल में फंसाकर किया उत्पीड़न, पुलिस ने मुख्य आरोपी रवि को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सीतापुर में यौन शोषण का सनसनीखेज मामला आया सामने, जिसमें एसडीएम कार्यालय पहुंची युवतियों ने पीएचसी के फार्मासिस्ट की पत्नी पर यौन शोषण किए जाने का आरोप लगाया, आरोप है कि फार्मासिस्ट की पत्नी उन्हें नशीला इंजेक्शन देकर देह व्यापार का काम करवाती है। गोरखपुर में बाइक बेचने के लिए आवेदन करने वाले युवक को साइबर ठगों ने ठगी का शिकार बनाकर 84,000 रुपए ठग लिए, साइबर सेल की टीम ने महज 3 दिन के अंदर जालसाज के खाते से 84,000 रुपए वापस कराने में कामयाबी हासिल की। बहराइच में गुप्त सूचना के आधार पर थाना दरगाह शरीफ के स्टेशन रोड पर मोहल्ला फ्रीगंज बंद दुकान से पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारकर कई बोतलें विदेशी शराब की बरामद की हैं, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है, अवैध शराब में मिलावट की भी जांच कराई जा रही है। मुरादाबाद में अपराध की योजना बनाते 4 अपराधी गिरफ्तार, थाना सिविल लाइन्स की बंद पड़ी फैक्ट्री में छिपे थे बदमाश, शातिरों के पास से अवैध तमंचे, कारतूस, चाकू, मास्टर चाबियों का गुच्छा और लोहे के रॉड सहित चोरी में इस्तेमाल होने वाले कई सामान किए बरामद। रुद्रपुर में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, हाथी दांत के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, बरामद हाथी के दांत की कीमत लाखों में बताई जा रही है, जिसका वजन 11 किलो के आसपास बताया जा रहा है। फरुखाबाद में चेकिंग के दौरान ट्रक से अफीम की खेप बरामद, ट्रक से पकड़ी गई 13 किलो अफीम, जिसकी कीमत 2 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, चंडीगढ़ पंजाब से अफीम को लाकर नैनीताल और बरेली में सप्लाई किया करते थे तस्कर। उधम सिंह नगर के खटीमा में बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, रैली में भारी संख्या में महिलाएं भी हुई शामिल, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के साथ सब्जियों और खाने पीने की चीजों के बढ़े दाम का विरोध। हरिद्वार में मेला प्रशासन और कार्यदायी संस्था की बड़ी लापरवाही, कुंभ के लिए तैयार हुआ अस्थायी पुल का पिलर धंसा, आनन फानन में पुल की मरम्मत का काम शुरू। हरिद्वार महाकुंभ के लिए पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज की धर्म ध्वजा स्थापित हो गई, इस मौके पर शंकराचार्य नगर में मेला अधिकारी और साधु संतों ने विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। पहाड़ों पर बदला मौसम का मिजाज, उच्च हिमालय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी, हेमकुंड साहिब में 8 फीट तक जमी बर्फ, यात्रा की तैयारियों पर पड़ सकता है असर। देश में कोरोना के 40,715 नए मामले, 199 लोगों की मौत, 29,785 लोग ठीक, कोरोना के टोटल मरीज 1,16,86,796, 1,60,166 लोग गंवा चुके हैं जान, एक्टिव केस 3,45,377। देश में अब तक 4,84,94,594 वैक्सीन की डोज दी गई, वहीं 22 मार्च तक देश भर में 23,54,13,233 सैंपलों की जांच की गई, एक दिन में 9,67,459 सैंपल की जांच की गई। कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्य सचिव आरके तिवारी ने नई गाइडलाइंस की जारी, सभी कमिश्नर डीएम और एसएसपी को भेजा पत्र, कोई भी आयोजन करने से पहले प्रशासन से लेनी होगी अनुमति, बुजुर्गों और बच्चों को सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने से रोक। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी आयोजन पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन से परमिशन लेकर कोविड गाइडलाइंस का पूरी तरह करना होगा पालन। इतरों में पड़ा है वो बताना जरूरी था, जिसके कारण उन्होंने अपना निर्णय उसी हिसाब से लिया है।
तो उसको देखते हुए हम कोई पंचायत चुनाव को भी नहीं टालेंगे या होली के पर्व या उससे संबंधित और भी जो पर्व हैं, दिशा निर्देश जरूर देंगे। अयोध्या के विकास का मॉडल तैयार, 25 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी देखेंगे विजन डॉक्यूमेंट, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। लखनऊ के 1090 चौराहे पर पहला लखनऊ नाम का सार्वजनिक सेल्फी पॉइंट बना है, लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने इसका उद्घाटन किया। योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरे होने पर बरेली जोन के एडीजी ने कहा, पिछले 4 साल में प्रदेश में माफियाओं और गुंडों के खिलाफ पुलिस ने की सख्त कार्रवाई, अब तक 101 करोड़ की संपत्तियां हो चुकी जब्त, मुठभेड़ में 2382 बदमाश गिरफ्तार, 7 के मारे जाने की जानकारी। एटा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर, फर्जी मुठभेड़ दिखाने पर एडीजी जोन ने कोतवाली देहात इंस्पेक्टर समेत 2 पुलिस कर्मियों को किया सस्पेंड। मथुरा में मौसम ने अचानक ली करवट, तेज आंधी के साथ गिरे ओले, बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट, गर्मी से परेशान लोगों ने ली राहत की सांस, बारिश से ट्रैफिक की रफ्तार पर पड़ा असर। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी, जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम में जमी बर्फ की चादर, धाम में बर्फबारी की तस्वीरें आई सामने। रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ समेत ऊंची चोटियों में बर्फबारी हो रही है, वहीं निचले इलाकों में बारिश होने से एक बार फिर ठंड का एहसास होने लगा, केदारनाथ में बर्फबारी और बारिश से पुनर्निर्माण कार्यों में खलल पैदा हो गया है। लखनऊ पुलिस आयुक्त डी के ठाकुर ने राजधानी में रेन डांस पार्टी समेत सभी तरह के डांस आयोजनों पर लगाई रोक, जिन कार्यक्रमों को अनुमति दी गई थी उन्हें भी निरस्त किया गया, आदेश न मानने वालों के खिलाफ कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन की कार्रवाई के निर्देश। मथुरा के बरसाना में लठमार होली की धूम, भक्तों का उमड़ा जनसैलाब, ब्रजभूमि में पैर रखने की भी जगह नहीं, अबीर गुलाल से रंगों में सराबोर हुई राधा कृष्ण की नगरी। पिथौरागढ़ में आपसी सौहार्द की मिसाल वाली होली की शुरुआत हो गई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समुदाय के लोग मिलकर होली मना रहे हैं, ये पुराना चौक होली के नाम से मशहूर है। कुमाऊं में सजने लगी होली की महफिल, रामनगर में महिलाएं अपने अपने घरों में आस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा कर मना रही बैठकी होली, स्वांग रचकर होली की मस्ती में सराबोर महिलाएं। महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल जारी, अप्रैल के पहले हफ्ते में हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, अनिल देशमुख से छीना जा सकता है गृह मंत्रालय। जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ से मलबा बनकर गिरा कीचड़, कीचड़ के सैलाब में बही कार, 15 सेकंड में धसी कार, गनीमत रही हादसे में किसी की जान नहीं गई। अमेरिका के कोलोराडो प्रांत के बोल्डर में सुपरमार्केट में हुई गोलीबारी, एक पुलिस ऑफिसर सहित 10 लोग की मौत, संदिग्ध को पुलिस ने मुठभेड़ में किया घायल, हिंसा की वजह का नहीं चल पाया पता। बाजार में लगातार तीसरे दिन रही रौनक, 280 अंक चढ़कर 50,051 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 78 पॉइंट्स के उछाल के साथ 14,815 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। मंगलवार को 24 कैरेट गोल्ड का भाव सोमवार के मुकाबले 22 रुपए चढ़कर 44,869 रुपए प्रति 10 ग्राम खुला, वहीं चांदी 18 रुपए गिरकर 65,799 रुपए प्रति किलो खुली। कोरोना संकट गहराने और शादियों के आने वाले सीजन में बढ़ सकते हैं सोने के दाम। भारतीय ऑलराउंडर कुणाल पांड्या ने मंगलवार को वनडे डेब्यू पर एक बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज अर्धशतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। पुणे में इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में 29 साल के कुणाल ने 26 गेंदों पर अर्धशतक लगाया। कुणाल की 31 गेंदों में 58 रन की नाबाद पारी की बदौलत टीम इंडिया ने कुल 50 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 317 रन का स्कोर बनाया।